हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के इस वीडियो में मैं कलरिंग करने वाला हूँ सिद्धू मूसेवाला को वाटर कलर से। टेक्निकल ट्यूटोरियल वीडियो है, मैं इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप लोग वाटर कलर ड्राइंग कैसे कर सकते हो मेरे तरह। वाटर कलर ड्राइंग में कैमलिन का वाटर कलर यूज़ करता हूँ एंड ब्रश सिंपल ब्रश है और पेपर ये चार्ट पेपर जो 5 रुपीज़ में आता है वो वाला यूज करता हूँ मैं। आप लोग कोई भी पेपर यूज कर सकते हो एंड कोई भी कलर यूज कर सकते हो एंड कोई भी ब्रश यूज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस मैं कलरिंग करता हूँ उसे अच्छे से देखो एंड बीच बीच में बताऊँगा कैसे क्या करना है, तो अच्छे से वीडियो को देखो। सब तो हो गया, पेपर को सबसे पहले अच्छे से जहाँ पे भी आप लोग ड्राइंग करना चाहते हो वहाँ पे अच्छे से मास्क टेप या कोई भी सा टेप भी ले सकते हो। ड्राइंग करने से पहले पेपर को अच्छे तरीके से वाटर से भिगा लेना, क्योंकि उससे ड्राइंग कलरिंग काफ़ी अच्छे से फैलता है एंड स्मूथ रिजल्ट आता है। तो आप लोग को सबसे पहले पेपर को अच्छी तरह से भिगा लेना है एंड जो भी रेफरेंस में कलरिंग है उसे आप लोगों को अच्छे से पैलेट में मिक्स कर लेना है एंड वाटर ज़्यादा लेना है ताकि कलरिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो। तो सबसे पहले आप लोगों को कलर मिक्स कर लेना है, स्किन टोन जो भी आप लोगों को करना चाहे, बैकग्राउंड सबसे पहले आप लोगों को बैकग्राउंड ही करना है, क्योंकि बैकग्राउंड जिसमें हेयर वगैरह हो उसमें अच्छे तरीके से डिटेलिंग कर सकते हो। इसमें तो बेसिकली कुछ वैसा नहीं है, आप लोग पीछे भी कर सकते हो, लेकिन मैं वाटर कलर में सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ही करता हूँ, तो बैकग्राउंड ही करूँगा। एंड बैकग्राउंड कलर करने के बाद आ जाते हैं फेस में, तो स्किन टोन में आप लोग देख सकते हो ये सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर जितना भी लेयर करना हो आप लोग रेफरेंस के मुताबिक कर सकते हो। और अगर ये सब आप लोग को लगे कि हाँ मेरे रेफरेंस के मुताबिक ड्राइंग लेयरिंग काफ़ी हो चुका है तो ये सब बड़े ब्रश से करना, एंड अगर डिटेलिंग करना हो तो डिटेलिंग के लिए आप लोग छोटे ब्रश का यूज कर सकते हो, छोटे ब्रश ताकि डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से हो एंड ड्राइंग काफ़ी अच्छा लगे। तो और हाँ, वाटर कलर काफ़ी फास्ट करना पड़ता है, तो वाटर कलर फास्ट ही करना, क्योंकि अगर फास्ट नहीं करोगे ना तो ड्राइंग काफ़ी स्मूथली नहीं बन पाएगा, जितना फास्ट होगे उतना अच्छा होगा। मेरे दम बसी मोर से ले काली कार बैठे कार विच मेरे जुन में जे यार रोज करता अखा दा दिला उत्ते करे जब जे आओ पोड़ वांगू जदा मुंद टुकी अखड़े लोका दा दी अगे पिंगे बोले घूमदे मेरे मिंटो मिंट पट ना तू हस बल्ली केड़ा करदा है तंग मैनू दस बल्ली साडे पेट च आउंदी ना प्लस बल्ली करदा है तंग केड़ा दस बल्ली शुरू दिन बल्ली किन्ने टक ने पिंडे ते ना तू गिण बल्ली होया पैल पूना कर तेन चिर बल्ली मिंट लगदा नी खोल दई सिर बल्ली लख मेरा कहिंदा जितनी तू दुनिया मेरे कहते तेन दिल भेजना और पहलिया दे लई आई फोन रखिया दूजे आली रखिया ब्लैक बेरी नी आने नौ दिता डी सोनी जो जी नू हुंदा कितने तेल भेजना खेड मकई जट पहली सर लक मेरा कहना जितनी तू दुनिया कम मेरे कहने तेन जेल भेजना
ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਟੋਪੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਉਤੋਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਖੜੇ ਯਾਰ ਨੀ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਓ ਮੇਰੇ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਡੱਬ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਥੱਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਆਓ ਬੋੜ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਆਖੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੀ ਐਵੇਂ ਪਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਦਾ ਸਿੱਧੂ ਘੁੰਮੇ ਕੱਲਾ जे को करदा गद्दारी साडे नाल पुत्तो बैर नाले यारी दोवें माड़ी ओजी जट हॉलीवुड करदा वाइड वाइड पैंदी आने दी का छोड़िए फिर शक पे जे को करदा गद्दारी साडे नाल पुत्त बैर नाले यारी दोवें माड़ी लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।